मुल्क की तरक्की और खुशहाली में ख्वातीन का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने एहसास आमदन प्रोग्राम का आगाज किया। एहसास प्रोग्राम के तहत नेशनल पॉवर्टी ग्रेजुएशन इनिशिएटिव का एक अहम जुज़ मुस्तहकीन को छोटे कारोबारी असासजात की तकसीम और असासजात के मौसर इस्तेमाल के लिए तरबियत फराहम करना है। कदा गाडू मिलियो बकरी जुड़ियो तो सही सफर गुजर हलाई रो तो गरीब बचे तो हमारे वाले धंधो भी जो करे घर धनी जाए चाहे धंधो करे छोकरों से मजदूरी करे शहर में बेटा माट के अड़ो को सोचो पे अस को पैसा हो अगत अदन की कोशिश करूँ पे पर असो हीलो को हल को इतने भी मजूरी कह 100-200 रुपया इतने भी असा मिलन था उनके सफर गुजर हले को मिड़े वक्त पे कटूँ बचा भी असा तंग खाने पीने में भी तंग है ना कोई शे को मिले। ₹15 अरब का ये 4 साल प्रोग्राम पाकिस्तान के चारों सूबों के 23 गरीब तरीन अजला की 375 यूनियन काउंसिल्स में जारी है। जो कमजोर तबका है उसको हथियार दिए जाए ताकि वो अपने आप को ऊपर उठा सके। जिस तरह वो दुकान है जिस तरह वो रिक्शा है ख्वातीन के लिए हमने फैसला किया कि हम उनको एक गाय एक भैंस 3 बकरियां देंगे ताकि उनसे वो अपना घर चला सके। मुस्तहकीन अफराद को असासों के इस्तेमाल और कारोबारी मंसूबा बंदी से मुतल्लिक तरबियत फराहम की जा रही है। इस प्रोग्राम के हिदाफ के मुताबिक 14 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। असा के बकरी में खीर मिल दो खीर में बच्चा असा खुश हूँ यू असि हुकूमत जहाँ थोड़ा था आयूँ। प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए 1110002 पर कॉल करें। फलाही रियासत का क्या हमारी मंजिल हुकूमत पाकिस्तान है।